हूं अमित, और भाई साहब आपकी तरफ से आज तक कमेंट बॉक्स में मेरे हिसाब से जो चीज आई है वो है कि एक पेड़ के ऊपर घर बनाओ। तो गाइस इतने लोगों ने कहा, इतनी बार कहा, तो भाई साहब आज हम आ चुके हैं यहाँ पर है एक बहुत बड़ा पेड़। और आज हम बनाएंगे गाइस एक सच्ची मुच्ची का ट्री हाउस, यानी कि पेड़ के ऊपर घर। पेड़ जो है गाइस इधर देखो यार, कितने बड़े साइज का है, बहुत बड़े साइज का। यहाँ पर पीपल का पेड़ है और मुझे लगा कि यही जो है सबसे बढ़िया रहेगा पेड़ के ऊपर घर बनाने के लिए। तो भाई साहब बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक दिन में तो नहीं बनने वाला, टाइम यहाँ पर काफी लगेगा। तो आप लोग भी वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना, और यार जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई प्लीज सब लोग सब्सक्राइब कर लो यार। गाइस बहुत मेहनत लगती है सब करने में, अगर आप छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबा देंगे तो हमको बहुत ही खुशी मिलेगी, हमको ताकत मिलेगी। सब्सक्राइब कर लो भाई साहब सब लोग, फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस पेड़ के ऊपर घर बनाने में सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हमको बहुत बार पेड़ के ऊपर नीचे आना पड़ेगा, पहले ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, हर सामान को ले जाने के लिए ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, साथ ही साथ में ऊपर जाने के लिए भी ऊपर जाना पड़ेगा। समझ रहे हो गाइस? समझ रहे हो आप? चढ़ना पड़ेगा, और पेड़ पे ऐसे चढ़ते चढ़ते तो भाई साहब परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ सामान भी है, प्लाई बोर्ड्स हैं, कुछ लकड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर एक रस्सा है, और भी बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी जिससे कि ट्री हाउस बनेगा। तो भाई अब जो है फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो सिस्टम बनाते हैं जिससे पेड़ पे चढ़ा जा सके। ऊपर चढ़ने के लिए एक पुली सिस्टम अगर लगा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो गाइस यहाँ पर है हमारे पास में एक स्कूटर का टायर, स्कूटी का टायर, जो कि आप देख सकते हो बढ़िया पुली का काम करेगा। और ये है गाइस इसका स्टैंड, हमने बेसिकली एक तीन पहिए की बाइक बनाई थी उसमें यूज आया था, और इस सिस्टम को ऐसे की ऐसे लगा देंगे पेड़ में। इस पूरे पेड़ के ऊपर हम सोच रहे हैं कि इस एरिया में घर बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जगह एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर ये तीन चार बड़े बड़े साइज़ की इसकी टहनियाँ हैं, इतनी मोटी मोटी। और पीपल का पेड़ लेने का एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत ही मोटा होता है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से कितना ही लोड डाल लो, मतलब हम जितना लोड डाल पाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फटाफट से एरिया क्लीन करते हैं नीचे का, क्योंकि घर के नीचे सफाई होनी चाहिए भाई। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो गाइस इस जुगाड़ के सहायता से मैं ऊपर जा रहा हूँ, और मुझे अभी थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। तो गाइस इस बार ओए स्लो स्लो रुक जा, एक मिनट रुक जा, अरे घूम रहा है, अरे बहुत तेज घूम रहा है ये, तो क्या करूं मैं मर जाऊं, किसको पकडूं? अरे यार किसको पकडूं? कुछ नहीं दिख रहा। अरे अभी तो मेरी शादी भी अभी नहीं हुआ है भाई। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चलो 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 आराम से आराम से आराम से, ओए इसमें ना टकरा जाऊं भाई मैं। बस बस। तो गाइस यहां पर ये बांस की इस तरीके की सपोर्ट्स हैं जिनको हम भेजेंगे रस्सी की मदद से। आ रही है भाई, देखो गाइस जो पुली वाला सिस्टम है ना वो कितना मस्त तरीके से काम करता है और कितना हेल्पफुल है। गाइस यहाँ पर हमने ये बांस की जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ली हैं ताकि आगे तक का जो है एक बेस बन सके हमारे ट्री हाउस के लिए। गाइस यार इतना ऊंचाई पर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर एक्चुअली में काम कर करके जब नीचे देखते हैं ना तो डर सा लगने लगता है, लेकिन यहाँ पर इनको हम फिलहाल सेटअप कर रहे हैं ताकि ये फिसल ना जाए, नहीं तो हम भी गिरेंगे और ये भी गिर जाएगा सब कुछ।
खींचो खींचो खींचो। गाइज यहाँ पर बड़े साइज का प्लाईबोर्ड हमारे इस मैकेनिज्म से जो है ऊपर आ गया है। यहाँ पर ये जो बेस है ये मैंने बना लिया है और अब प्लाईबोर्ड को रखेंगे इसके ऊपर और देखते हैं कैसा क्या होता है। भाई साहब सुबह हमने स्टार्ट किया था, शाम हो गई है। जान दो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यही रुको रोक के। और गाइज यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है हमारे ट्री हाउस के लिए, नहीं ये इधर आएगा अभी। तो गाइज यार बनाते बनाते यहाँ पर भूख प्यास सब लग गई, तो नीचे से जो है तरबूज आ चुका है। हाथों की हालत देखो यार, अंधेरा होने वाला है लेकिन थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलेगा। रात के टाइम में तो हम जो है काम नहीं करेंगे लेकिन जब तक अंधेरा होता है तब तक जरूर से काम करेंगे। तो गाइज आज है अगला दिन, दोपहर हो चुकी है और दोपहर तक हमने क्या क्या किया आपको बता देते हैं। गाइज इस तरीके के बड़े बड़े साइज के 24-24 फीट के बहुत सारे बांस हम लोग लेकर के आए हैं ताकि जो हमारा घर है जो ट्री हाउस उसकी दीवार वगैरह बनाई जा सके। और हमने इन बांसों को काट करके फाड़ लिया है और आप लोग देख सकते हो इस तरीके के फांक यहाँ पर जो है बांस के बन चुके हैं और इन बांसों की मदद से हम बनाएंगे गाइज हमारे घर की दीवार। लेकिन दीवार से पहले भाई पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो घर है सिर्फ उसका फाउंडेशन तैयार हुआ और यहाँ पर देखने पर सिर्फ ये लग रहा है कि ऊपर कुछ बेस सा रखा हुआ है। हालांकि गाइज एक बात बताऊँ, ये नीचे से देखने पर तो ऐसा लगता है कि एकदम ऐसे ही रखा हुआ है हवा में से ही और कभी भी ये गिर गिर सकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल है, फिलहाल हमने एकदम फिट कर दिया है इसको बढ़िया से, ये हिल नहीं सकता गाइज। और इसी में कल शाम हो गई थी और आज हमारा जो दिन है वो इन बांसों में लग गया। तो अब चढ़ते हैं। और पता है जब स्टार्ट किया था जब मैं सोच रहा था यार एक दो दिन में बन जाएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है इसको बनाने में लगेगा टाइम और इसीलिए शायद ये जो वीडियो है गाइस दो पार्ट में होगी। लेकिन जो पूरी जर्नी है एक पेड़ के ऊपर घर बनाने की वो बहुत ही शानदार है, आपको मजा जरूर से आएगा। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सोच रहे हैं कि 8x4 फीट का ही एक घर बनेगा, घर से ज्यादा गाइस कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी होंगी, ऊपर झोपड़ी जैसा शेप देंगे। तो ये जो पिलर्स हैं ये बनेंगे इसके पिलर और ये लगेंगे इस किनारे पर, इनको जो है कसना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर चार पिलर्स जो है चारों कोनों में हमने लगा दिए हैं और ऊपर ये जो सपोर्ट है ये भी बन गई है। अब बारी है हमारे इस ट्री हाउस की दीवार बनाने की, जिसके लिए हम इन बांस का यूज़ करेंगे जिनकी हमने फांक कर ली थी। मोटे बांस को हमने बीच में से काट लिया और ये लगेगा यहाँ पर और फिर उसके बाद में खिड़कियाँ वगैरह भी साथ के साथ बनती जाएंगी। तो आप देखते जाओ हम लगाते जाते हैं। गाइस हेलो गाइस, फिलहाल मैं जिस घर में खड़ा हूँ जिस जगह खड़ा हूँ वो हमारा जो ट्री हाउस है वो गाइस काफ़ी हद तक फिलहाल बन गया है। इस साइड में हमने पूरी एक दीवार लगा ली है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स यार यहाँ पर लगानी पड़ी है, पूरा जो है बनाना पड़ा। पीछे जो है प्लाईबोर्ड वगैरह लगा है, यहाँ पर बीच में एक और सपोर्ट है, इस साइड में भी कुछ ऐसा ही हाल है और ये भी जो है एकदम पक्का हो गया है। यानी कि 1, 2 और 3 साइड्स बन चुकी हैं गाइस यहाँ पर 3 दिन खपाने के बाद में।
और अब जो है ये चौथी साइड बची है और छत बची है, तो देखते हैं कि आज इसको कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। चलो भाई लगते हैं काम पे फिर से। और यार गाइस देखो इतना काम कर रहे हैं, अब जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब करना बनता है यार, बनता है गाइस, कर दो सब्सक्राइब और वीडियो के लिए लाइक। ऊपर काम चल रहा है, अभी बन रहा है, लेकिन भाई पुली से ऊपर जाते आते जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि नीचे लोगों को खींचना पड़ता है, तो वो वाली एक प्रॉब्लम है। सामान पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन चढ़ने में दिक्कत है। तो हम सोच रहे हैं कि जाने का एक सीधा रास्ता भी बना दिया जाए। पुली वाला सिस्टम तो रहेगा ही सही, यहाँ पर सीढ़ियों से सिस्टम बनेगा। एक सीढ़ी तो कभी भी घर में नहीं जाएगी, लेकिन दो तीन सीढ़ी के कॉम्बिनेशन से ऊपर ज़रूर चला जाएगा। चलो ये 18 फीट की सीढ़ी है भाई, और देखो घर इससे भी जो है कम से कम 5-6 फीट और ऊपर है। इस सीढ़ी को पेड़ से घर में लगाएंगे, जमीन पे नहीं टिकेगी ये। ठीक है तो गाइज फाइनली 4 दिन की मेहनत के बाद में, सोचा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, फाइनली हमारा जो ट्री हाउस है वो बन करके तैयार हो चुका है। जो किया गाइस वहां पर उस पेड़ के ऊपर, पेड़ जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़े साइज का है, और जो ट्री हाउस है वो बीच में रखे हुए घोंसले की तरह लग रहा है। अगर गाइस ये ट्री हाउस एक छोटे पेड़ में बनता तो ये पेड़ के बराबर से साइज का हो जाता, तब जा करके ये उसके बराबर लगता, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मजा आ रहा है। और आप लोग देखो बीच में एकदम सेंटर में रखा हुआ है वहां पे। और यार गाइस हम जो सोच रहे थे ना उससे भी ज्यादा टाइम इसलिए लग गया यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई पर काम करना पड़ा। और अब आप लोग देखो थोड़ा पास आकर के यार कितना मस्त लग रहा है यार। तो अब गाइस चलते हैं इसके ऊपर, एक बार आपको जो है चारों तरफ से नजारा दिखाना चाहता हूं। यहां पर तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितना मजेदार यहां पर दिख रहा है। तो अब चलते हैं गाइस घर के अंदर। घर के अंदर गाइस चप्पल लेकर के नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि पेड़ पर भी चढ़ रहे हैं और फिलहाल पूरा रास्ता है, कोई रिस्क भी नहीं है। यहां पर सीढ़ी जो है वो घर तक जाएगी। यहां पर जो ये सीढ़ियां हैं ये अच्छी तरीके से पेड़ से बंधी हुई है, तो किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। और जैसे ही मैं यहां आऊंगा मुझे दूसरी सीढ़ी मिल जाएगी, जो सांप सीढ़ी की सीढ़ी होती है गाइस, उस तरीके वाली। और आप लोग देख सकते हो कि नीचे किस तरीके से है और ऊपर ये है गाइस घर। और यहां पर है गाइस रिबन, क्योंकि हमारा जो गृह प्रवेश है भाई साहब वो हो रहा है अभी क्योंकि घर के अंदर बनने के बाद में हमने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर रिबन काटते हैं। और गाइस सीढ़ी पर जो है ज़्यादा लोग खड़े होने की जगह नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही काट रहा हूँ, जिससे कि किसी के लिए जो है रिस्की भी ना हो। चलो गाइस काट रहे हैं भाई रिबन इन 3-2-1 गो। ओहो तो गाइस वेलकम टू आवर ट्री हाउस। तो भाई साहब यहाँ पर हम आ गए हैं गाइस हमारे इस ट्री हाउस के अंदर। तो भाई साहब वेलकम टू आवर स्मॉल लिटिल मजेदार वाला ट्री हाउस। ये है रास्ता, क्या बात है, मस्त है ना गाइस, चारों तरफ से कवर्ड है। देखो आपको अच्छे से दिखाते हैं गाइज, ऐसे तो ये जो घर है ये 4x8 फीट के फ्लोर के ऊपर बना हुआ है, जो कि पूरा का पूरा पेड़ पे टिका हुआ है। लेकिन और सबसे मजेदार बात ये है गाइज कि पेड़ को हमने कोशिश करी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, कोई छोटी मोटी कील वगैरह जरूर लगाई है, बहुत ज्यादा ना हमने कुछ काटा है, कोई टहनी वगैरह छोटे मोटे पत्ते जरूर हटाए हैं जो कि यहाँ पर आ रहे थे। बाकी गाइज पेड़ भी मस्त है, हम भी मस्त है। और अब आप देखो यहाँ पर गाइस देखो ये डिजाइन देखो यार कितना जबरदस्त दिख रहा है। ये जो पूरी शाखा है, जो पेड़ की ब्रांच है, वो हमारे घर के अंदर से जा रही है, मतलब ये पेड़ जो है यहाँ से आ रहा है और इस वे से घुस रहा है, एकदम परफेक्टली शेप में कटा हुआ है। सबसे बड़ी जो टहनी हमारे घर में वो है ये वाली, और ये जो है आर पार छत में जा रही है, इनफैक्ट इधर से भी जा रही है। और इसीलिए हमको जो रूफ है उसको दो हिस्सों में अलग अलग बनाना पड़ा,
गाइज यहाँ पर पता है सबसे चैलेंजिंग बात ये थी, अगर ये घर नीचे होता ना हम भाई साहब इसको आराम से बना देते, आप मान के चलो कोई दो दिन में बना देते, लेकिन भाई चार दिन इसलिए लग गए क्योंकि इतना हाइट पर काम करना बहुत ही मुश्किल है। अंदर से तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन बाहर से इसमें नट बोल्ट लगाना बहुत मुश्किल है यार, रिस्क वाला काम है, इसलिए बड़े ही सावधानी से सब कुछ किया, फाइनली बन के तैयार है। लेकिन गाइज ये जो है सब कुछ नहीं है, अभी तो ट्री हाउस कंप्लीट हुआ है, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। तो गाइज अब अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि क्या आपको अब इस घर को एक लग्जरी ट्री हाउस बनते हुए देखना है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करो गाइस, हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ यार मजा उसी चीज में आएगा। तो अब घर की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज है। यहाँ पर है गाइस एक बड़ी सी खिड़की, ये जो पूरी दीवार है ये पूरी बांस की बनी हुई है, इसमें सिर्फ बैम्बूज है, हमने सारे बांस को आधा फाड़ के इसमें लगाया तब ये बना है। और यहाँ पर है खिड़की, इसमें से हम जो है बाहर निकल करके देख सकते हैं। हेलो गाइस, देख लो गाइस कितना बड़ा घर है, ऐसे 8 फीट है, और आपको आप मेरे जो है कंपैरिजन में इसको देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। यहाँ पर गाइस मैं फिलहाल हमारे घर की बालकनी में हूँ, यहाँ पर लगभग 2 फीट की जो जगह है वो एक्स्ट्रा है, और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा चला भी जा सकता है, लेकिन बड़े ही ध्यान से। पता है अब गाइस मैं घर से निकला और पेड़ के ऊपर आ गया हूँ सीधा घूमने के लिए। ये है गाइस हमारे घर की छत, ऊपर है पूरा का पूरा पेड़, और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा हूँ यहाँ, और दूसरे हाथ से गाइस मैं फिलहाल पेड़ के ऊपर खड़ा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो घर है वो कुछ इस तरीके का गाइस दिखता है पेड़ के ऊपर से। तो भाई साहब अब मैं आ गया हूँ वापस से अंदर बालकनी की सैर करके, और भी मजेदार चीज है गाइस यहाँ पर देखो ये है, यहाँ तो क्रेजी एक्सरसाइज है, बड़ी कमाल का लग रहा है। लेकिन गाइस ये जो है खुलता है यहाँ से कुछ इस तरीके से, और गाइस ये है एक और दरवाजा, और ये जो दरवाजा है ये काम आता है इस पुली सिस्टम के लिए, और हम इजीली गाइस इससे जो है अंदर बाहर जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर है गाइस एक छोटा सा स्टैंड कुछ रखने के लिए, जैसे यहाँ पर मैं अपना कैमरा रख देता हूँ, और यहाँ पर भी है गाइस एक और खिड़की, तो ये रोशनदान है, इसमें से भी एकदम बढ़िया व्यू आता है, कहीं से भी देख लो चारों तरफ ये पेड़ इतना बड़ा है कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ दिखता है, और यही सबसे मजेदार बात है। तो गाइस यार अब आया ना यार मजा, एक बार देखो नीचे जाने का रास्ता दिखाते हैं आपको। इधर से ये हमारे घर का गेट, ये सीढ़ी लगी हुई जो कि एकदम फिक्स्ड है, देखो यहाँ पर भी एल क्लिप लगा करके जो है हमने फिक्स कर रखी है, हिल नहीं सकती, यहाँ से सारी चीजें जो है एल क्लिप लगा करके हमने फिक्स कर रखी है। और ये है गाइस हमारे घर के दूसरे साइड का व्यू, यहाँ पर मैं सीढ़ियों में बैठा हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि बाहर से ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। क्या बात है यार, जब हम इस पेड़ पर चढ़े थे ना भाई साहब डर लग रहा था। एक बार पता है मैंने सोचा कि नहीं नहीं यार इस काम को छोड़ देते हैं बीच में, मतलब बीच में क्या शुरू में ही, क्योंकि इतना डर लग रहा था। देखो गाइस कोयल की आवाज आ रही है, गाइस कोयल की आवाज सुनी गाइस आपने, पेड़ पर बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पक्षियों की आवाज आ रही। ये देखो शाम को, पता है शाम को और सुबह के टाइम में पक्षियों की इतनी आवाज़ आती है, क्योंकि पेड़ पर बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं, किसी तरीके से किसी पक्षी को कोई नुकसान भी नहीं है इससे वैसे तो। तो गाइज हम बात कर रहे थे इस चीज़ की कि हम सोच रहे थे कि भाई नहीं होगा, बहुत भयंकर डर लग रहा था, लेकिन यार गाइज आपने यार इतनी बार बोला था कमेंट्स में कि ट्री हाउस बनाओ बनाओ बनाओ, तो यार आप कहोगे और हम नहीं करेंगे गाइज, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या ऐसा गाइज? कभी नहीं हुआ ना, नहीं हुआ गाइस, और कभी होगा भी नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। यार आपकी बदौलत सारा चैनल है, आपकी बदौलत आज हम जो कुछ हैं यार आप लोगों के प्यार की वजह से हैं, आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट देते हो, यार आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, इतने लोग हमारी फैमिली में हैं, तो यार गाइस अगर आप कहोगे और हम नहीं करेंगे ना तो ये हमारे लिए गलत बात होगी, हमको करना चाहिए जो आप कहोगे। इसीलिए गाइस नेक्स्ट पार्ट जो है वो तो कमेंट में बता ही देना क्या करना है। और यार हाँ 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 गाइस एक बात मेरे को और करनी है, देखो मुझे पता है सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं ना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, तो यार अभी सब लोग फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अब ये देखते हैं कि इस घर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इसमें कितने लोग आ सकते हैं, ताकि आपको भी एक अंदाजा हो जाए कि ये पूरा मजबूत है एकदम। चलो आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ फटाफट, इंसानों की तरह चढ़ना है। एक्साइटमेंट देख रहे हो गाइस, एक्साइटमेंट देख रहे हो, 1 2 3 तीन तीन तीन, फटाफट फटाफट फटाफट, 8 लोग इधर हो चुके हैं और ये 9 इसके अंदर फिलहाल 9 लोग आ चुके हैं भाई इस छोटे से ट्री हाउस में।
तो आप लोग यहाँ पर इसकी जो मजबूती है उसको अपने आप से देख सकते। एक बार सब लोग हाँ शक्ल दिखा दो कि 9 लोग हैं यहाँ पे, 8 यहाँ पर है, 9वां मैं हूँ गाइस यहाँ पे। उमस हो गई यार, इतने लोग, पता है स्पेस कम है तो 9 लोगों के लिए वैसे है नहीं ये, लेकिन मजबूती इतनी है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस ट्री हाउस के अंदर। भाई साहब पूरा का पूरा यहाँ पर हमने पेड़ के ऊपर घर बना करके रख दिया है। अगर आपको मजा आया वीडियो के अंदर तो गाइस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है अब, और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर से बता देना कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अगर आपको एक लग्जरी ट्री हाउस देखना है तो हम बना देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में दबा करके डाल दो, और वीडियो के लिए दबा करके लाइक कर दो, और चैनल को दबा करके सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दो। भाई हमें तो इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।